गोरखपुर में बच्चों की मौत को लेकर 28 घंटे बाद सामने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। वहां पे कुछ कार्रवाई अभी की दी गई है और आगे भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन लोगों को किसी को भी बख्शने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 63 मासूमों की मौत के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने दी सफाई, कहा लोगों के सामने आनी चाहिए पूरी सच्चाई। योगी ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बिठाई जांच, कहा 9 अगस्त को मेरे दौरे में किसी ने भी नहीं दी थी इस बारे में कोई जानकारी। प्रोफेसर और हेड से भी, इंसेफ्लाइटिस वार्ड के इंचार्ज से भी व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे इंटरेक्शन करके पूछा कि आप लोग बताइए कि आपको किसी कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में या उनके किसी नोटिस के बारे में कोई भी चर्चा किसी की भी स्तर पर नहीं हुई। प्रिंसिपल से भी पीरियड। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अजीब व गरीब दलील, आंकड़े देकर कहा अगस्त में होती ही है बच्चों की मौत। जो कि अगस्त के महीने में हो या जो एवरेज प्रतिदिन साल का भी है, वो इस कॉलेज के अंदर बीआरडी अस्पताल के अंदर कोई 17-18 प्रतिदिन निकलता है। अधिकारियों के साथ मंथन के बाद स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी भी बच्चे की मौत। गैस सप्लाई या गैस जो बाधित हुई थी उसके कारण बच्चों की मौत नहीं हुई है। यूपी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार से दाखिल सवाल, कहा अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो क्यों हुई बच्चों की मौत। नहीं भी थी तो एक दिन में अगर इतनी मौतें हुई हैं तो उसका कारण क्या है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी अपनी पार्टी की सरकार पर उठाए सवाल, कहा ये बच्चों का सामूहिक नरसंहार। अब जो बच्चे चले गए वो तो वापस नहीं लाए जा सकते, वो तो बिल्कुल नरसंहार जैसा ही लगता है। गोरखपुर की स्थिति पर केंद्र की नजर, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को सौंपी सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी। माननीय प्रधानमंत्री, हम सभी उससे बहुत दुखी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से मुझे गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए निर्देशित किया है। बच्चों की मौत को लेकर गोरखपुर के अस्पताल के प्रिंसिपल पर राज्य सरकार ने निलंबन का ऐलान किया। कोई मौत नहीं हुई उस पीरियड को पूरा आप देख लीजिए। मेरी मीटिंग के बाद जो मुझे बताया गया कि वो वहां से बिना बताए चले गए थे, तो उनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके सस्पेंशन के साथ मुझे प्रधानाचार्य। गोरखपुर के बच्चों की मौत पर सुलगी राजनीति, अस्पताल का जायजा लेने समाजवादी पार्टी के नेताओं की टीम गई। जानकारी आई है जो सामने, अभी सच्चाई सरकार नहीं बता रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी किया दौरा, यूपी की योगी सरकार पर उठाए सवाल। ये राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ, हम राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। बच्चों की मौत को लेकर लालू ने योगी पर साधा निशाना, कहा यह मासूमों की हत्या है। हत्या है, बच्चों की हत्या है। ऑक्सीजन रोक दिया गोरखपुर में, बच्चे हमारे। बच्चों की मौत से सदमे में है गोरखपुर, लोगों ने मासूमों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। गोरखपुर की घटना पर दिल्ली में भी प्रदर्शन, शहजाद और तंसीम पूनावाला ने निकाला मार्च। लखनऊ में बच्चों का प्रदर्शन, योगी सरकार से पूछा क्या यूपी में सिर्फ गायें सुरक्षित हैं।
दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, गोरखपुर में बच्चों की मौत पर जताया शोक। मिशन साउथ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर हैं, विधानसभा चुनाव से पहले बनाई रणनीति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र में एनडीए में शामिल होने का न्यौता, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके दी जानकारी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव को मिली बगावत की सजा, राज्यसभा में जेडीयू के नेता पद से छुट्टी, शरद यादव की प्रतिक्रिया देने से इनकार। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह को राज्यसभा में चुना गया नेता, जेडीयू की सफाई, शरद को हटाया नहीं, आरसीपी को दी गई है जिम्मेदारी। जिले में राम माधव और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा की मुलाकात, माधव ने कहा फिलहाल 35A का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निवास पर 4 डॉक्टर नियुक्त होने पर बवाल, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दागे सवाल। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के निवास पर डॉक्टर्स को नियुक्त करने पर बीजेपी ने बनाया था मुद्दा, अब खुद मंत्री ने अपने घर में डॉक्टर्स को किया है तैनात। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद शिवसेना कोटे से सुभाष देसाई ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की, मुख्यमंत्री ने ठुकरा दिया। बेरोजगारी और नौकरों की कमी के चलते युवाओं के बीच निराशा बढ़ी, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का वार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की, बताया ये शिष्टाचार की मुलाकात। राजस्थान सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए छुट्टी का नया कैलेंडर जारी किया, 2 अक्टूबर को नहीं होगी छुट्टी, कांग्रेस ने साधा निशाना। चंडीगढ़ छेड़छाड़ के मामले में विकास बराला और उसका दोस्त आशीष 14 दिनों की जेल में, दोनों पर छेड़खानी का आरोप। जिले में अपराध शाखा अवैध हथियार सप्लायर को कर चुकी है गिरफ्तार, 20 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स बरामद। पुंछ की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से तोड़ा युद्ध विराम, गोलीबारी में जेसीओ शहीद, एक जवान घायल, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। शोपियां जिले के अवनीरा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा, दोनों तरफ से जारी है गोलीबारी। रायपुर में रमन सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कुर्सी छोड़ो अभियान, मुख्यमंत्री के घर का किया घेराव। यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का विवादित बयान, कहा मदरसों के बच्चों को कभी राष्ट्रगान गाते नहीं सुना। दिल्ली के आनंद विहार में सीवर की सफाई करते 2 सफाई कर्मचारियों की मौत, 1 सफाईकर्मी और फायरमैन की स्थिति गंभीर। जेपी बिल्डर के दिवालिया घोषित किए जाने को लेकर फ्लैट खरीदने वालों का भड़क गया गुस्सा, नोएडा के फिश टाउन के बाहर जमकर हंगामा। 2010 से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं लोग, नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ भी लगे नारे। लोगों ने पीएम और सीएम से लगाई गुहार, फ्लैट दिलाने के लिए पहल करे सरकार। दिल्ली के तुगलक रोड में पोर्शे गाड़ी और एक और कार के बीच टक्कर, बीजेपी के एमएलए अवतार सिंह भड़ाना के बेटे की कंपनी के नाम पर है गाड़ी। बेंगलुरु से चेन्नई जा रही बस में आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में धमाकेदार शुरुआत के बाद फिसली टीम इंडिया, पहले दिन स्टंप तक 6 विकेट पर बनाए 329 रन। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए ओपनर्स ने दी थी 188 रनों की शुरुआत, 85 रन बनाकर आउट हुए केएल राहुल। शिखर धवन ने सीरीज में ठोक दिया दूसरा शतक, 123 गेंदों पर बनाए 119 रन। पुजारा ने 8 और रहाणे ने 17 रन जड़े। टेस्ट के पहले दिन बने कई रिकॉर्ड, राहुल ने लगातार 7 पारियों में 50 मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की।